जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्वीट ऑरेंज की कुछ वैरायटियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जिसमें से एक प्रमुख है न्यू सेलर। न्यू सेलर मौसमी की कैटेगरी में आती है और माल्टा, ये दो इसमें है। तो अगर हम मौसमी की बात करें तो इसमें सतगुड़ी है, काटुल गोल्ड है, न्यू सेलर है, जिसमें अब ये फ्लावरिंग आ रहे हैं। ये न्यू सेलर वैरायटी है, 2 साल का पौधा है। और इसमें जब ये 1 साल का था तब भी एक दो मौसमी इसमें बनी थी, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। अभी 2 साल का है, अब इसमें फ्रूट सेट हो रहा है, मधुमक्खी आ रही हैं, कीट पतंगे आ रहे हैं, और जिससे वो पोलिनेशन हो रहा है। तो इसकी तैयारी हमने पहले जनवरी से की थी। जनवरी में हमने स्टार्टिंग में इसमें खाद दिया था, और उसमें कुछ गोबर की खाद था, कुछ केमिकल खाद था। वो खाद देने के बाद फिर इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें ये जैसे कीट लग रहा है, तो ये इनका काम पोलिनेशन करना है। तो किसान साथियों, आप पोलिनेशन के समय कोई दवाइयाँ ऐसा कुछ ना डालें जिसमें फ्लावरिंग हो रही हो और कीट पतंगे आ रहे हो। अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पाएगा एक फूल से दूसरे फूल पे, और उसमें हमारे फलों की संख्या भी कम होगी। तो हम न्यू सेलर वैरायटी की बात कर रहे थे। न्यू सेलर वैरायटी अपने देश में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली मौसमी है, और इसका खासियत क्या है कि इसका जो फ्रूट है वो गोल है, छिलका पतला है, शाइनिंग बहुत अच्छी है, कीपिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो इसी तरह एक काटोल गोल्ड वैरायटी है, वो भी अच्छी है। वो क्या है कि उसकी कीपिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा, उसका छिलका हल्का सा मोटा होता है इससे, तो इसलिए उसकी कीपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बाकी इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो मैंने देखा है, महसूस किया है, उसके फ्रूट देखे हैं, ये है। तो किसान साथियों, अगर आप मौसमी की बागवानी करना चाह रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आप उनसे संपर्क करें, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बताएं, अपना मिट्टी पानी की जांच कराएं, किसी भी नर्सरी वाले के कहने में ना आए। क्योंकि अक्सर लोग यूट्यूब पे या नर्सरियों पे लाखों की कमाई दिखा दिखा कर किसानों को प्रभावित कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और किसान इस चक्कर में आ भी रहा है, फिर बाद में वो लॉस का भागीदार बनता है। तो ऐसा ना करें। अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, जो लाखों रुपए के साइंटिस्ट सैलरी ले रहे हैं, आप उसका लाभ उठाएं, वहाँ अपने मिट्टी पानी की जांच कराएं और फिर आगे की प्लानिंग करें। अपने आप को सोचने के लिए 10 या 15 दिन का समय ज़रूर दें। आप अचानक फैसला ना लें कि वीडियो देखकर तुरंत पौधे मंगा लें, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ये मेरी ओर से आप किसान साथियों को सलाह है कि आप कोई भी वीडियो देखकर प्लांटेशन करने का फैसला ना करें। क्योंकि किसान साथियों, आज की प्लानिंग भविष्य का फैसला करेगी कि कैसी क्रॉप हमें मिलेगी। वीडियो देखा, धन्यवाद। जय हिंद।